नाम लिया जाए, अजय फ्रॉम बेंगलोर और रयान जी भी, थैंक यू सो मच फॉर सब। हाँ जी एंड वेलकम टू अन्य व्लॉग, क्या हाल है सभी का, आई होप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, अभी उठे हम, मुंह वगैरह धो लिया एक बार, और व्लॉग कल का व्लॉग नहीं आया क्योंकि एक्चुअली मैं ओमेगल की वीडियो बनाते बनाते थक गया था यार, मुझे पीठ अकड़ गई थी यार, इतना टाइम लग गया था एडिटिंग में। तो बस बाकी सब बढ़िया, अभी उठ गए हैं तो चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या 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 कौन कौन क्या क्या कर रहा है। मम्मी जी अभी कपड़े धो रहे हैं, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। पापा जी पूजा में लीन, नहीं अभी लीन नहीं, अभी होने वाले हैं थोड़ी देर में। और दादी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बड़का अच्छा बोल रहा है ना, गुड मॉर्निंग। मैं दिखे नहीं वहाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं यही देख रहा था, मैं कहा दादी जी मुस्कुरा रहे हैं, पूछे क्या हो गया, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे, हम भी बता दो हम भी मुस्कुरा लेंगे। तो दादी जी के साथ में बातें करने का मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि दादी जी बहुत फ़नी फ़नी सी बातें करते हैं, और जब हम उन फ़नी बातों पे हम हंसेंगे ना तो बोलते हैं क्या हुआ हंस क्यों रहे हो, मतलब फुल टू फुल थक लाइफ जीते हैं दादी हमारे। और ऋतिक क्रिकेट खेलने गया है क्या, संडे और सभी वहाँ पर चल जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, आज अपन देखते हैं शायद हो सकता है कि जाऊँ, मगर आज थोड़े काम है घर पे तो अपन क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे, देखते हैं खाने में क्या बनने वाला है क्योंकि भूख लग रही है, टाइम हो चुका है, टाइम कितना हुआ अभी, वेट जेब से निकालना पड़ेगा। क्या बनाने लगे हो, आलू के परौठे बनने वाले हैं भैया जी, 10:06 हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम हो गया यार। ओमेगल 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 यार, सोने नहीं देता ये, मतलब जितनी बार आप सोचोगे स्किप कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, उतनी बार कोई ना कोई मिल जाता है। वैसे कोई नहीं मिलेगा, आधा घंटा बैठे रहो स्किप स्किप स्किप, जैसे हम मतलब आप सोचोगे ना चल अभी अभी छोड़ देते हैं यार अभी बैठ जाते हैं, तभी एक एक दो स्किप के अंदर ही ना लड़की मिल जाती है। देखो ऐसा बंदा मिल जाता है जिससे वार्तालाप अच्छी चलनी स्टार्ट हो जाती है। चलो कोई नहीं, मिलता खाने को तो अभी टाइम लगेगा, तो अपन पहले चाय पी लेते हैं उतनी देर तक। यहाँ पे आलू भी मतलब तैयार हो ही है, बस उनको छीलना है, छील के बस फिर परोंठे खाएंगे। हमारे घर की खतरनाक चीज मूंगफली, मतलब दे लो पाप जिस मर्जी कमरे में चल जाओ कहीं ना ऐसे पैकेट पड़े रहते। एक्चुअली में बात ऐसे है कि पापा, अरे ये क्या हो गया, अबे किधर जाऊँ मैं। अच्छा सॉरी मैं भूल जाता यार, तो 2 मिनट स्टिल करना था। हाँ एक्चुअली में पापा जी को ना मूँगफली बहुत ज़्यादा पसंद है, और पापा जी छोड़ते नहीं है, सही है अपने अपने स्वाद है। मैं मूँगफली खा लूँ तो मेरे को तो अजीब सा मन लग जाता है, मतलब गर्म होती है ना, चिड़ियों की चहचहाट। परौठे बन गए, परौठे खाएंगे, परौठे खाएंगे, परौठे खाएंगे, परौठे खाएंगे। तू क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, मक्खन, मक्खन इसे कहते हैं, चीटा चीटा मक्खन। ऐसे मक्खन खाएंगे ना हम, और फिर बाद में बोलेंगे कि हम पतले नहीं होते, तुम नहीं हम पतले नहीं होते, तो आपको इतना सा देंगे ना, इतना सा यार, ये ना इंसाफी मेरे साथ नहीं करने का, क्या और डालने का इसमें, और डालो, कोई बात नहीं एक टाइम आएगा पतले हो जाएगा। हाँ जी भाई तुम्हारा दाढ़ी कटवा के आ गया, ट्रिम करवाई है, कटवाई नहीं पूरी, ट्रिम कटवाया और अभी नहा के आए, और मैं नहा के कितना मतलब चीटा चीटा लग रहा हूँ, मतलब रंग मेरा निखर गया है, पता नहीं कैसे मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा, बट जैसे भी है तैसे भी है। अभी अपन लगे करने एडिटिंग, तो देखो कंप्यूटर ऑन कर दिया, अभी अपना स्टार्ट होगा, वेयर इज डाविंची रिजॉल्व। होता ये है कि जैसे मतलब कई बोलते हैं प्रीमियर प्रो वगैरह, भाई जिसने जिस पे सीखा होता है उसके लिए वही आसान हो जाता है, और प्रीमियम प्रो जो है वो है प्रीमियम महंगा, उस पर पैसे लगते हैं, और ये फ्री है, और इसमें हर एक फीचर है भाई, हर एक फीचर है फाइनल कट प्रो, और जो जो फीचर्स फाइनल कट प्रो में है और जो प्रीमियम प्रो में है ना, दोनों अलग अलग है, मगर इसमें इकट्ठे ही है सब कुछ। तो जिसने भी डाविंची रिजॉल्व बनाया है तो ये भी पेड, मगर इसमें एक फ्री वाला वर्जन भी है विच आई एम यूजिंग, सो दैट्स गुड। और प्रीमियम प्रो की सबसे बड़ी बात यह है कि वो रेंट पे चलता है, उसको एक बार में नहीं खरीद सकते,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसको हम खरीद सकते हैं मगर इसको अभी नहीं खरीदेंगे, थोड़े टाइम के बाद इसके ऊपर भी कुछ करेंगे, मगर अभी के लिए पहले अपना एडिटिंग, अरे 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 ठंड लग रही है यार, एडिटिंग कंप्लीट करते हैं फिर आपको मिलते हैं। मजाक हो गया यार, एडिटिंग चल गया, एडिटिंग करते करते क्या होता है ये, क्या होता है ये अपने साथ। तो अपना टाइम हो गया, मतलब वहाँ पिछले बर्थडे पार्टी आ रही, बर्थडे पार्टी पे जाएंगे तो राशि वरुण का वो आ गया था मैसेज कि भैया आ जाओ तुम, मम्मी और चले गए तो मैं रह गया था यार। मेरे को समझ नहीं आ रही मैं लग क्या रहा हूँ यार, चलते हैं वहाँ पे। तू नहीं आ रहा? अच्छा तेरे को ये काम दे दिया। चल फिर मैं जाके आता हूँ यार। और यहाँ पापा जी ने पूरी अपनी आरती पूजा कर ली, और ये कंबल यार धोने को डाला था, सूखा ही नहीं यार सुबह से अभी तक, क्या कर सकते हैं भाई। मतलब तो मेरी पहुंच गए मेरे पापा कुलता की तरफ से। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या हाल है? बड़ा मेकअप शेकअप कराया है। हैप्पी बर्थडे। हमारी राशि दीदी केक निकाल रही है, अभी देखते केक कहाँ गया। अरे भैया जी बहुत खतरनाक है। हाय मेरे बर्थडे तो नहीं सी आया ना सो। राशि को तरस आ रहा है, काश तरस नहीं गुस्सा आ रहा है। चल कोई नहीं, होता होता है। तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई? कैंडल शैंडल भूख से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजाम मत करवाते हो। ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल ले, केक शेक स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर न मंगवाना हो, चूहे ना दौड़े पेट में रात के पौने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी, अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो ही न्योता कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू। हाँ जी, तो अभी अपन केक वगैरह काट के आ गए, और अपन हमारे को मिल गया ये छचुंदर, छचुंदर, छचुंदर मिला। तू करने गया वैसे? टेक्नर। ये शादी पे जा रहे हैं कल, तो ये बंदा मेरे पास आया कि भैया चाचू स्टेशनर दे दो। स्टेशनर क्या होता है मतलब? तो मैंने बताया देखो, अब देखो इतने भैया चाचू मेरे को स्टेशनर दे दो। मैं क्या स्टेशनर दे दो? मैं कहा ये क्या होता भाई अब स्टेशनर? कैसे बाल लगा? फिर बोला जो बालों में लगाते, मैं कहा स्ट्रेटनर भाई, सीधा बोलना स्ट्रेटनर चाहिए। बंदा मतलब स्टेशनर, स्ट्रेटनर को स्टेशनर बोलता है। शादी में जाएगा लड़का, शादी में जाएगा, ये लौंडा शादी में। कहाँ पे शादी? पता दसुआ पैलेस। अच्छा दसुए वाली साइड है। ये मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत 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 अच्छे। ये बेइज्जती करने के मूड में था, ये बेइज्जती करने वाला था भी मेरी। करने वाला था तुम्हें को पता है? नहीं नहीं। अब ये बोलना ना, बहुत 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 गंदे लग रहा है। नहीं नहीं यार, मैंने कहा था बहुत बहुत बेकार लग रहे हैं, गंदे नहीं बोला। देखा यार, एक्चुअली मैंने वैसे ऐसी ये छोटी छोटी दाढ़ी में ना ये बाल नहीं सही लग रहे मेरे को। तो अभी काम करते हैं, क्या करेंगे अब कुछ नहीं आज के लिए, तो आपको ये कुछ दिखाएंगे। कल का दिन होगा अच्छा, कल आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि हम एक चीज बता देते हैं कि कल है, मतलब ये लोग आपको कल मिलेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन मतलब कितनी जनवरी, 13 जनवरी नहीं भैया, 12 थप्पड़ पड़ोगा दोनों, 13 दिसंबर को है मेरी मम्मी और उनकी एनिवर्सरी, मतलब यहाँ से कल। तो वो है, वो भी एनिवर्सरी बोले 25 ईयर एनिवर्सरी, जिसे हम कहते हैं सिल्वर जुबली है मेरे घर वालों की, उसको हम मनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अपन के दिमाग में कुछ आइडियाज है मगर वो चल नहीं रहे यार। मतलब मैं एक आइडिया बना रहा हूँ कुछ और गड़बड़ हो जा रही है, दूसरा आइडिया बना रहा हूँ फिर कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर तीसरा बना रहा हूँ फिर कुछ उल्टा हो जा रहा है। अभी देखते हैं चौथा कोई नया बनाते हैं, बस भगवान करे वो उल्ट पुल्ट ना हो, सब सही सही हो। तो ये तो भैया जा रहे हैं शादी पे ना। तारा भाई जुगिंदर को दिखाओ, अब तारा भाई जुगिंदर से गोली चलाएगा और देखना।
ये थारा भाई जोगिंदर का फाइन है, ये फाइन है ना, ये क्या का, ये क्या का ट्रेंड है बे, ये बदतमीज का ट्रेंड है थारा भाई। अच्छा ये थारा भाई जोगिंदर बट 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 ग्रेट थारा भाई जोगिंदर बट। चल बस सब खत्म हो गया, जोगिंदर चल गया, जोगिंदर ही जोगिंदर जोगिंदर ही करियर खत्म होती किसे बात की यार। चलो मिलते हैं यार, आपको ये आ गया ना तो यहाँ पे खप डली रहती है, ये नहीं कभी खत्म होती है, देख लो ये देख क्या कर रहा है, टिकते नहीं बैठा यार तेरे से, हैं टिकती नहीं तेरी, नो ओके। हाँ जी, तो इससे पहले अपना कैमरा हो जाए बंद, तो अपने इस बैकग्राउंड के साथ आपके आपके लिए मतलब आज के फटाफट से जो शाउट आउट्स हैं उनको उनका नाम लिया जाए। अजय फ्रॉम बेंगलोर और रियान जी भी, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड Always stay with us. अरे कितना खतरनाक लग रहा हूँ ना वैसे यार मैं। Awesome, great. अभी के लिए मिलते हैं आपको कल और व्लॉग का करते हैं एंड, और कल है बहुत कुछ तो अपने को बहुत ज़्यादा कुछ करना है, तो अभी अपने को सोना पड़ेगा। मिलते हैं कल आपको इन नेक्स्ट, और तब तक के लिए खुश रहें, सुखी मेरे, शांति मेरे, जो जो मैं रोज कहता हूँ वही सब कुछ है। बैटरी का तब तो यार बात 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 करते करते ही बैटरी लो होगी और व्लॉग एंड करने तो जरूरी था, तो ऋतिक जी सो चुके हैं और अपन करते हैं आज के व्लॉग एंड। टाइम हो चुका है 12:57, 12:57 हो चुके हैं, तो गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग एंड कल मिलते हैं ना नेक्स्ट व्लॉग। कल का व्लॉग बस मिस मत करना जरा भी, क्योंकि जो जो अपने बंदे हैं उनको तो पता है, नहीं पता शायद मैंने बोल दिया पीछे कि आज है मम्मी और की 13 दिसंबर को है मम्मी और की 25th एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, और अपन अपनी तरफ से पूरी पूरा जोर लगा रहा है, बाकी कल देखा जाएगा कैसे होता कैसे नहीं होता। कल मिलेंगे इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक्स। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार। बाकी ओमेगल की वीडियो भी आ रही हैं, दड़ा दड़ा आ रही हैं, जैसे जैसे हमको कंटेंट मिल रहा है हम डाल रहे हैं। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। मिलते हैं कल, सो गुड बाय एंड गुड नाइट।